अगर मैं कैमरा पकड़ के आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ ना तो वो आपकी सपोर्ट है। अरे थैंक यू सो मच यार। आप मैं पीछे आया था, शायद आपने देखा हो, मेरे में तब इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं जो है ना आपके साथ वीडियो बना सकूं, क्योंकि यार डकी भाई मेरे साथ धूप में खड़े हुए हैं, इतने हैवी बंदे हैं यार हम, फिर नॉर्मल बंदे हैं, ऐसा नहीं कोई मसला की वीडियोस वगैरह देखा करें, बेल आइकन भी दबाएं, कमेंट भी करें। हम लोग जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? और आप लोग भी आज ये सोच रहे होगे, हमाद भाई आज आपको क्या हो गया, डकी भाई वाला इंट्रो आज आप क्यों करवा रहे हो? और यार मैं आपको बताऊं कि यार आज हम एक यूट्यूबर को मिलने जा रहे हैं, और वो कौन है मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ। यार ना तो वो कोई बाबा ओपी है, ना तो वो फोरी काकू है, ना तो वो स्टार अनोनिमस है, तो ना ही मास सफदर है। तो वो कौन है जिससे जो है हम मिलने जा रहे हैं? तो भाई साहब जो है आज हम टकी भाई को मिलने जा रहे हैं। झूठ नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वाकई में यार डकी भाई को मिलने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखो। जैसा कि आपको पता है कि डकी भाई ने एक दिन पहले जो है एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने अपनी फेवरेट गाड़ी ओडी ली है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर ये वीडियो आपकी तरफ आ गई है, अगर ये वीडियो की व्यूज़ जो है ज़्यादा हो गए हैं, तो प्लीज़ गुजारिश है आप लोगों से इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, और इस वीडियो को लाइक लाजमी करना। क्योंकि देखो ना यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, वीडियो बनानी पड़ती है, थंबनेल ढूंढना पड़ता है, भाई थंबनेल क्या लगाएं। और इस टाइम मैं देख रहा हूँ यार कई बंदे जो है ना मुझे देख रहे हैं, सामने मैं आपको दिखा नहीं सकता, खैर मैं जोड़ो उनको, वो तो अपने काम में जो है मसरूफ लगे हैं, वो तो मुझे देख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यार बहुत मेहनत है इसमें काम में। और अभी आ जाओ, चलते हैं डकी भाई, अभी जो है चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाके जो है आपसे मिलते हैं और आप लोगों को भी जो है दिखाते हैं। One hour later. तो गाइस, तो यार अभी हम पहुंच गए हैं डकी भाई के घर के पास, वो मैं आपको सामने दिखा दूं कि डकी भाई का घर है। और यार मैं आपको बताऊं, जब वाइफ स्लिक खड़ी हुई है ना, उसमें जो है डकी भाई और उसकी वाइफ बैठी हुई हैं, अभी तक वो जो है ना बाहर नहीं आ रहे हैं, तो मसला हो गया है थोड़ा सा। अब देखो कि वो जो है बाहर आ जाए, वो स्लिक के सामने वाली और बाहर नहीं आ रहे हैं, आ जाते हैं तो सही हो जाएगा ना। पता नहीं इतनी देर हो गई अंदर ही हैं मगर बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या सीन है। और मैं आपको दिखा दूँ कि यार रेड वाली गाड़ी जिनको जो खड़ी हुई है, जो डकी भाई ने जो है अपनी मामा को लेके दी थी। यार अभी ठहरो ज़रा। ओ गाइस, जो है अभी हम डकी भाई के पास आ गए हैं, तो डकी भाई को भी बहुत ज़्यादा जल्दी है अभी जाने की। यार डकी भाई मैं आपसे चंद बातें करना चाहता था, मगर आपको जो है यार आप बहुत जल्दी है, आप दोबारा आ जाना, कोई मसला नहीं। अभी मुझे थोड़ा इमरजेंसी में कहीं पे जाना है, अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं आपकी जल्दी जल्दी कोई वीडियो बना दूं, फिर वो भी अच्छा भी नहीं लगता। तो आप अभी, क्योंकि आज अगर ना होता तो मैं तो अभी निकल रहा हूँ, या कल या परसों जब मेरे पास टाइम हो ना तो फिर हम सुकून से बना लेंगे। अभी मेरे पास मुश्किल से 2-3 मिनट होंगे, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। सही है। अच्छा एक बात कर लूँ, हाँ हाँ यार एक बात तो मैं आपसे यही करना चाहता हूँ कि यार पिछले 3 साल से जो है ना मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच, और आपसे जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। व्लॉग की, अगर मैं कैमरा पकड़ के आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ ना तो आपकी सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ सीखा है यार मैंने, मैं पीछे आया था, शायद आपने देखा हो, मेरे में तब इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं जो है ना आपके साथ वीडियो बना सकूँ। मैं आपको एक टिप बोल देता हूँ कि ये भैया, ये फ्रंट कैमरा से बना रहे हो ना, आप कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड से पकड़ के, मुझे पता है बैक कैमरा से बनाओ। वो ना मेरा दरअसल ना कैमरा खराब, अच्छा, ना धुंधला थोड़ा सा, तो मैं ना एक्चुअली वहाँ से बनाता था। तो मैं आपसे कसम से यार सही बताऊँ ना, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच यार, डकी भाई बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपकी वीडियो लाजमी बनवाया था, लेकिन अभी आपकी क्विक क्विक बनेगी, आपको भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अभी थैंक यू डकी भाई, आप लोग बहुत अच्छे बंदे हो यार। आप वैसे ना बड़ी देर से वेट कर रहा था यार डकी भाई बाहर आ जाए, पता नहीं यार मुझे अपना ही गलत इंसान समझ रहे थे कि पता नहीं यार कोई ऐसा वैसा। नहीं नहीं, हम असल में वेट कर रहे हैं, मैं असल में अपनी वालदा का वेट कर रहा। सही है, तो वो थोड़ा लेट कर ही, फिर मैं गाड़ी से उतर के चले घर के। ठीक है यार, बहुत अच्छा लगा डकी भाई से मिलके। और आपने जैसा कहा था कि यार नेक्स्ट वीडियो में, वो मुझे तो इतनी अच्छी लगी ना वीडियो वो वाली, जब आपने कहा यार मेहनत करो, मेहनत करनी चाहिए,
बस ठीक है यार, डगी भाई को अब ज्यादा देते हैं क्योंकि यार डगी भाई मेरे साथ धूप में खड़े हुए हैं, इतने अभी बंदे हैं यार हम, फिर नॉर्मल बंदे हैं। थैंक यू डगी भाई, आपने हमारे साथ छोटी सी वीडियो कहा थी, मैंने काफी लंबी बना ली। नहीं नहीं, चले यार सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें, ठीक है, इनकी वीडियोस वगैरह देखा करें, बेल आइकन भी दबाएं, कमेंट भी करें। मेहनत कर रहे हैं, वैसे अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाजमी शेयर करें, लाजमी शेयर करें। और मैं ना वहाँ पर बाबे उप के जो है ना पास रहता हूँ, तो मैंने कहा यार डकी भाई से लाजमी दोबारा मिलेंगे। और यार मुझे तो ये था कि यार डकी भाई को हमारा पता ही नहीं होगा, तो यार डकी भाई को बड़ा अच्छा तरीके से याद है। मैंने भी आपको देखा, मैंने पहचान लिया। अच्छा यार, क्यों लोग कोई नहीं, खैर एनीवेज जो है यार डकी भाई के व्लॉग में भी आएंगे कभी, हैं लेना यार आपने, ठीक है। अभी मैं बना नहीं रहा था, तो नहीं कोई मसला नहीं यार, मैं ना बना रहे, आपने लाजमी लेना है व्लॉग में अपने। और खैर एनीवेज जो है यार, डकी भाई की गाड़ी जो है अंदर खड़ी हुई है, मैंने देख ली थी, तो अभी चलते हैं, इनको भी ज़्यादा देते हैं। और यार मुझे बहुत है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलो खैर एनीवेज जो है घर जाके आपको जो है मिलते हैं दोबारा। وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر. So finally guys, तो यार वापिस आ गए थे, तो यार डकी भाई से मिले, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा बंदा है गाइस, मैं आपको कैसे बताऊँ यार, कोई गुरूर नहीं है उसमें, इतने अच्छे बंदे हैं यार, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं डकी भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं कसम से दिल से कह रहा हूँ। अच्छा, और मैं आपको जो है ना एक बात बताऊँ, जब मैं डकी भाई के घर के पास गया था ना, तो जब मैं डकी भाई को मिला हूँ पहले, तब मैं वीडियो तो नहीं था बना रहा, मगर जब मैं मिला हूँ ना, तो डकी भाई ने कहा यार आप तो मेरे साथ जो है पहले मिल चुके हो। तो मैंने कहा यार डकी भाई आपको कैसे पता है, कहता यार मैंने आपकी जो है ना 2-3 वीडियो जो है टिकटॉक पर भी देखी हैं, और टिकटॉक भी कुछ वीडियो मेरी जो ऐसी हैं वो जो है वायरल हुई हैं। तो मुझे ना, मैं अब देखने लग पड़ा हूँ कि मुंह की तरफ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो मसला बन गया मेरे लिए। डकी भाई ने कहना यार ये रोज रोज जो है ये क्या आ जाता है। पहले तो मैं बड़ीत पे गया था, शायद आप लोग मेरे कोई पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा होगा, कि उनसे जो है हम अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवाते हैं, मगर डकी भाई के पास जो है टाइम ही नहीं था यार। वो कह रहे थे कि यार मुझे एमरजेंसी है, मैंने कहीं पर जाना है, तो मेहरबानी छोटी सी वीडियो बना लो, अगर आपने लंबी वीडियो बनानी है तो 2-3 दिन बाद आ जाना यार। एक तो बात होगी ना कि डकी भाई ने हमें इजाज़त तो दे दी है ना यार, कि वीडियो आप जो है हमारे साथ बना सकते हो, यही बड़ा है हमारे लिए यार। अगर डकी भाई हमारी आप वीडियो देख रहे हो, तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है हमें सपोर्ट किया, हमारी वीडियो आपने देखी, और थैंक यू। और मैंने आपसे अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवाना था यार, मगर नहीं करवाया, चलो कोई मसला नहीं है। और आप लोगों के लिए बस यही है कि यार अगर आप लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोगों के पास मेरी वीडियो ये आ गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे इंप्रेस कर देना, क्योंकि जो है हमारी आने वाली जो वीडियो है ना वो आप तक पहुंचे। ये वीडियो जो है यहाँ तक है, अगर आप लोग जो है ना यार इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे ना, या हमारे 1,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ गए, तो हम जो है डकी भाई से लाजमी मिलने जाएंगे दोबारा से। और यार मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि यार आप लोग जितनी हमारी सपोर्ट करोगे ना, उतना हमें अच्छा लगेगा, उतना हम जो है थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे YouTube की तरफ, और उतना ही ज़्यादा जो है हम व्लॉग की तरफ जो है ध्यान देंगे। आप लोगों ने करना क्या होता है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन ही दबाना होता है, या आप लोगों ने एक वीडियो देखनी होती है, या आप लोगों ने जो है एक लाइक करना था। मेहनत तो असल हम करते हैं, वीडियो को एडिटिंग करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, लोगो शोगो तैयार करने पड़ते हैं, सब कुछ वो तो हम ही करते हैं ना यार, आप लोग करते। खैर एनीवेज जो है यहाँ तक ही है जो है आज की वीडियो, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे इंप्रेस कर देना, और मिलते हैं कल। ओका।